हे फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो MS20। ऑटो MS20 के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिलते हैं जो कि रहते हैं प्राइस रिलेटेड, ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिलेटेड। जो आपने स्टार्टिंग में जयंत ऑटो कंसल्टेंट का बोर्ड देखा है ना, वहाँ पर ये कमर्शियल व्हीकल हमें हमेशा से दिखाई देते थे और कुछ गाड़ियाँ दिखाई देती थी जो यहाँ पर डीजल में ये गाड़ी खड़ी ना हमारे सामने, वो वाली फोर्ड फिगो एस्पायर ये गाड़ी है। बिल्कुल बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं बता सकता हूँ, बेस्ट इन क्लास बिल्ड क्वालिटी मिलती है इसकी। ऐसी गाड़ियाँ लेकर हम लोग आए हैं, मगर इस बार एड्रेस चेंज हो चुका है। पिछले कई सालों से हम जो वीडियो शूट किया करते थे वो हमारा धूत हॉस्पिटल के अपोजिट साइड में होता था, मगर अभी इनका जो नया एड्रेस है वो शेंद्रा MIDC के थोड़ा सा पहले आता है, वंश ऑटो कंसल्टेंट के एग्जैक्टली बाजू में। अभी ये वाला जो शॉप है ना इनका, इसके ऊपर बेहतरीन रेट निकाल के आएंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक भी यहाँ पर आपको देखने मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जगह ही जगह है इनके पास। तो सब में पहले लेंगे हम लोग डिटेल, पर उसके पहले जानकारी ले लेते हैं पूरे गाड़ियों के विद सिनेमैटिक कौन सा स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, स्टॉक का जायज़ा तो आपने ले लिया होगा, सिनेमैटिक के अंदर आपको जो जो देखने मिल रहा है ना, सारा स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल है जयंत ऑटो कंसल्टेंट के ऊपर। तो सर प्लीज़ आइए। तो भरत सर से आप वाकिफ़ हो कि भरत सर यहाँ पर रेट जब देते हैं ना तो बहुत बेहतरीन देते हैं, मगर भरत सर का बहुत दिनों से व्लॉग नहीं हुआ। वेलकम टू ऑटो MS20 और कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये जो नया शॉप आपने खोला है, एक तरीके से मैं इसे तरक्की ही कहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा शॉप खोले सर ने, उनके लाइफ में उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, एक गाड़ी बेचने से लेके तो ये इतनी सारी गाड़ियों का स्टॉक, इतना बड़ा गोडाउन उन्होंने खड़ा करना है, बहुत बड़ी बात होती है। बाकी सर हमें ये याद रखना है कि हम ऑटो MS20 चैनल के ऊपर है, तो जहाँ पर हमारी फैमिली जो है उनको हम फाइनल रेट दिया करते थे, फाइनल नहीं तो कम से कम फाइनल के लगभग, राइट सर? तो आज के रेट कैसे रहेंगे सर? ये 2014 का मैक्सी ट्रक है। ओके, ये आएगा 4,80,000 रुपये में। जी, 2014 गाड़ी, 2014 का 4,80,000 में। ये हम लोग हमारे लिए स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, अगर कोई हमारा कस्टमर है जो डायरेक्ट वॉक इन में आता है, अगर डायरेक्ट वॉक इन में आता है तो थोड़ा बहुत निगोशिएबल हो जाएगा, 20-30 रुपये इधर, ठीक है, निगोशिएट तो हो जाएगा सर, मगर ये तो हमारे लिए स्पेशल रेट दिया है आपने। अगर डायरेक्ट ऑफर रेट क्या रखा है इस गाड़ी का, ऑफर क्या है? 4,50,000 रुपये में दे देंगे फाइनल। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट हमारे पास आता है, ऐसे ही अगर हमारा चैनल ना देखते हुए डायरेक्ट आ जाता है कोई कस्टमर, सर ये गाड़ी कितने में, तो आप ऑफर रेट अलग देते होंगे ना, क्योंकि हमें तो डिस्काउंट रेट देते हो आप, तो इसका ऑफर रेट कितना होता है? 5,00,000 रुपये देते हैं, 4,50,000 में फाइनल छोड़ देते हैं कोई डायरेक्ट। तो हमारे चैनल के लिए 4,50,000, ये सर को थोड़ा सा दिक्कत हुई पर क्लियर कर दिया हमने। ये वाली गाड़ी है, इसको यहाँ पर लेग गार्ड लगाया गया है जिससे गाड़ी का क्रैश गार्ड बोलते हैं इसको। बैक साइड में हाईटेक बॉडी का वर्क किया गया है और मुझे लगता है पूरी गाड़ी का जो बॉडी वर्क है वो पेंटेड है शायद अभी रिसेंटली। नया पेंट करना पड़ता है पासिंग के लिए, नया पेंट करता है हर गाड़ी का। ओके चलेगा, नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे। सर टायर के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों को देनी है, जैसे कि ये गाड़ी थी इसके टायर कितने कितने थे वो भी बताना, पहली जो गाड़ी थी ये 40% टायर थे उसके, 40% पूरे टायर थे। ओके चलेगा। अभी ये वाली जो गाड़ी है महिंद्रा की तरफ से आने वाली, फिर से बोलेरो है, मगर बोलेरो में एक कैंपर नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोलेरो में कैंपर भी आती है, FBB मॉडल आता है उसकी, ये FB मॉडल है ना, और अलग अलग मॉडल आते हैं तो वो भी थोड़ा हम क्लियर कर लेंगे। पहली वाली गाड़ी थी वो मैक्सी ट्रक थी, राइट? हाँ, ये FB है, FB है 1.3। ओके, बताइए डिटेल। ये 2013 का गाड़ी है, सादा गाड़ी आएगा, अगर आपका कोई कस्टमर आता है MS20 का तो उसको 4,25,000 रुपये में देंगे। ओके, 4,25,000 रुपये के अंदर ये गाड़ी दे देंगे। गाड़ी सादा इंजन आएगा इसमें। ओके, 2013 का सादा इंजन आएगा, सादा मतलब सेंसर नहीं रहेगा ऐसा बोल रहे हैं सर? हाँ, BS3 गाड़ी रहेगा विदाउट सेंसर। सेंसर वाले गाड़ियों के बारे में अभी तक के बहुत सारे मैकेनिक्स को पता नहीं है, तो ज़्यादातर लोग यही गाड़ियाँ प्रीफर करते हैं और ये गाड़ियाँ बहुत रेयरली दिखाई देती है। ये भी स्टिल हाईटेक बॉडी के अंदर ही आ रही है, अगर कोई पैक डब्बा आता है तो वो भी हम लोगों को बताना। चलो नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इसके टायर के बारे में सर आपने बताया नहीं, पहली जो गाड़ी थी उसका पीछे के दोनों टायर 80% है, सामने के 50%, सामने के 50%, पीछे के 80%। अभी इस गाड़ी के टायर का अभी बता दो।
ये गाड़ी के चारों टायर बटन आएंगे, ऑल पेपर वैलिड है, पासिंग इंश्योरेंस सब चालू है। ये महिंद्रा का 1.7 एक्स्ट्रा लॉन्ग गाड़ी है, 2017 का विदाउट परमिट वाला। ओके, 2017 का विदाउट परमिट वाला गाड़ी, ठीक है। इसमें 2018 के बाद जो आता है परमिट वाला गाड़ी आता है। ओके, हाँ, ये 2000 अगर आपका एम एस 20 कोई कस्टमर आता है तो ये फाइनल 6.5 लाख रुपए में अपन उसको दे देंगे। ओके, फाइनल 6.5 लाख में देंगे। BS4 गाड़ी है। अभी देखिए, सबके रेट्स हमारे चैनल के लिए डिस्काउंटेड है, मैं एग्री करता हूँ, मगर निगोसिएशन आपका अधिकार है अगर आप यहाँ पर आते हो। अभी ये गाड़ी कितने लाख में बोली आपने? ये 6.5 लाख रुपए, 1.5 रुपए भी कम नहीं होगा, फाइनल है। ये फाइनल बोल रहे हैं, मगर आपका अगर बैठक में थोड़ा बहुत हो जाता है, अगर आपकी और सर की बात एक जगह आती है तो देख लेना, बाकी थोड़ा थोड़ा आप डिस्काउंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे तो ये वाला गाड़ी है दोस्त, जो कि अशोक लेलैंड कंपनी की तरफ से आता है, 2015 का गाड़ी है। सर, आजकल ये कमर्शियल गाड़ियों में पेट्रोल गाड़ी भी आने लगी है, कोई पेट्रोल तो नहीं थी अपने पास? कोई नहीं पेट्रोल, अपन ओनली डीजल, अपन सिर्फ डीजल रखते हैं, क्योंकि मैं भी शॉक हो गया था जब मैंने पेट्रोल गाड़ी के बारे में सुना, मगर पेट्रोल गाड़ी आती है इनके अंदर। बताइए डिटेल। ये 2015 का पार्टी वाला गाड़ी है, पेपर आपको पूरा एक साल का वैलिड मिलेगा, पासिंग इंश्योरेंस। ये गाड़ी अपन 4,30,000 रुपये में दे देंगे, MS20 वाला पाटे वाली गाड़ी है, 4,30,000 रुपये में MS20 के लिए दे देंगे, पाटे वाली गाड़ी है। ये इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है वो भी बता दूँ, अगर इसमें शॉकअप होते तो ज़्यादा बेहतरीन होती ऐसा आपको लगेगा, मगर वो कार्स के अंदर होता है। ये जो कमर्शियल व्हीकल होती है, इनके अंदर जो गाड़ियों को पाटे होते हैं वो ज़्यादा वजन ले जाने के काबिल होती है और मेंटेनेंस बिल्कुल ही कम देती है, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर्स इतना ज़्यादा वजन सहन करने के लायक नहीं होते, यही मैं बता दूँ। इसीलिए इसे बताया जा रहा है कि ये पाटे वाली गाड़ी है, बेहतरीन स्टॉक है। सर, अभी एक मोटा माटी बताइए, ये सारे जो जितने भी पिकअप ट्रक हमने बताए हैं उनमें वेट एक ही तरीके का बैठता है? थोड़ा बहुत नहीं, 19-20 होता है। इसमें कैसा है, लोग 3 टन तक चलाते हैं। हाँ, इवन इसकी पासिंग रहती है 1300 किलो की। ओके, लेकिन क्या रहता है, इसकी है 1700 किलो की, उसकी 1300 किलो की, उसकी 1200 किलो की, लेकिन ये लोग जो चलाते हैं रोड पे 3 टन 2.5 टन ऐसे ही माल बैठाते हैं। ओके, मतलब ज़्यादा माल बिठाते हैं, वैसे तो इलीगल होता है सर, उसके लिए बोल नहीं रहे कि वो चीज़ आपने करनी चाहिए, पर सर ये चीज़ बता रहे हैं आपको कि इसमें इमरजेंसी के अंदर ज़्यादा भी माल जा सकता है। बाकी इस गाड़ी का आपने बता दिया, अभी नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे तो देखिए लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल होता है, क्योंकि इतना सारा कैश एक साथ में लेकर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों के लिए। मतलब देखिए, ये गाड़ियों के ऊपर ये कोई घुमाने की गाड़ियाँ नहीं होती है, ये कोई शौक पूरे करने वाली गाड़ियाँ नहीं है, ये लक्ष्मी कमाने वाली गाड़ियाँ होती है, इसीलिए लोगों के पास जो है इसके लिए पैसा जमा कर कर ये बिजनेस बोल के यूज़ की जाती है। सर प्लीज़ बताइए डिटेल। ये 2017 का टाटा एस है। हाँ, ये दे देंगे अपन 3,80,000 रुपये, 3,80,000 में रिफ्रेश मॉडल है, मॉडल 2017 का, 2017 का। हाँ, पेपर क्लियर रहने वाले। अभी इसमें जो ये कितना लॉन्ग आता है सर, बॉडी का, बॉडी का टाइप क्या होता है, कैसा कुछ बता? 7.5 फीट का गाड़ी आता है, 7.5 फीट का। इसमें कितना माल बैठेगा? 800 किलो का इसका कैपेसिटी रहा है, लेकिन 1.5 टन तक लोग चलाते हैं। ओके, 1.5 टन तक लोग चलाते हैं। चलो, ये गाड़ी का फाइनल बता दें, इस पर भी लोन होगा? कोई ऐसी गाड़ी नहीं ना आज जिसपे लोन नहीं होने वाला, कमर्शियल के अंदर में हर गाड़ी पे लोन होगा, कमर्शियल में हर गाड़ी पे, क्योंकि मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी यहाँ पर कार के जैसी जो रहती है ना, वो तो कार के अंदर लोन नहीं हो पाएगा बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर, मैं वो भी बताऊंगा आपको, पर अभी फिलहाल के लिए इस पे लोन होगा। नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे तो ये वाली गाड़ी जो ये पहली जो टाटा बताई उसका आपने टायर्स का नहीं बताया सर। टायर्स उसके पीछे के 50% है, सामने के 25-30%। ओके, और इस गाड़ी के टायर का? पीछे का दोनों टायर बटन है, सामने के 20-25%। ओके, चलेगा। बाकी क्या डिटेल है? ये 2019 का सुप्रो है, सिंगल टॉप। हाँ, ये 4,00,000 रुपये में दे देंगे फाइनल। ओके, ये 4,00,000 रुपये में 2019 का सिंगल, 2019 का सिंगल ओनर है, सिंगल टॉप है। हाँ, सिंगल टॉप है, सिंगल ओनर नहीं। बाकी ये गाड़ी जो है इस पे फाइनेंस कितना होगा आपको कुछ अंदाज? 3.25 लाख रुपये तक, 3.25 लाख रुपये तक फाइनेंस हो जाएगा। हाँ, अभी जितनी भी गाड़ियाँ हमने बताई ये सबके ऊपर का तो हम नहीं बता पाए कि कितना कितना फाइनेंस होगा, पर इसकी अगली गाड़ियों का हमको ज़रूर बताना है, चलेगा सर? और ये जो पिछली गाड़ियाँ बताई इसमें कम से कम डाउन पेमेंट कितना था? बोलेरो पिकअप के लिए 70-80,000 रुपये डाउन पेमेंट, 1 लाख के लगभग चलता है, छोटी गाड़ी के लिए 70-80,000 रुपये। ओके, 70-80 के लिए चलता है अभी तक क्या, आप थोड़ा जजमेंट ले लो उससे। नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे, इसका रेट बता दिए थे हमने पर। हाँ, अभी इसके टायर से शुरुआत करेंगे, टायर कैसे है इसके? गाड़ी के टायर सब 80% हैं, 80% सब टायर। 2019 का सुपर कैरी है, ये डीजल गाड़ी है। ओके, जो शोरूम गाड़ी नहीं मिलता है, बंद हो गया है। ओके, हाँ, ये गाड़ी अपन 4,80,000 रुपये में देंगे, 4,80,000 में। ये गाड़ी भी ले लिया? हाँ, पेपर सारे क्लियर मिलेंगे। इसका कुछ तो होता है ना, 1 साल की पासिंग, 1 साल का इंश्योरेंस, उसका 1 साल की पासिंग, 1 साल का इंश्योरेंस सारी गाड़ियों पे? हाँ, सारी गाड़ी जितने कमर्शियल है उनके ऊपर।
चलेगा। चलो नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे, इसका रेट बता दिए। हाँ, इस पे 3.5 लाख रुपए तक लोन हो जाएगा। ओके, 3.5 लाख तक के लोन हुआ। देखो मैं भूल गया था, मैं सर ने याद रखा, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और ये जो गाड़ी है इसका नाम मेगा एक्सल है, टाटा की तरफ से आने वाला। और इस गाड़ी के अंदर की अगर टायर्स की मैं बात करूँ तो इनके थोड़े बिग साइज टायर और थोड़ी हाइटेड गाड़ी होती है एज कम्पेयर टू सादी टाटा एस। टाटा एस से थोड़ा बड़ा एक टायर 13 इंच का आता है, वो 12 इंच का आता है। हाँ, मैंने नोटिस किया। देखिए थोड़ा बहुत मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ। 2018 का गाड़ी है ये। 3 लाख रुपए में दे देंगे, इस पे 2.5 लाख रुपए तक लोन हो जाएगा। दोनों टायर अच्छे हैं, सामने के 50, पीछे के 50 टक्के। ओके, पीछे के 50 टक्के रहेंगे, सामने की ये रहेगा। और इसका क्या है आप बता रहे हो लोन का? 2.5 लाख रुपए लोन हो जाएगा, 3 लाख रुपए में अपन गाड़ी दे देंगे। 3 लाख रुपए में हमारे चैनल के लिए आपको मिल जाएगी गाड़ी, और 2.5 लाख रुपए तक के आपको लोन कर देगा, मतलब 50,000 रुपए में लेके जाइए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और पर मैं ये थंबनेल में नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं आगे हम जाते हैं और गाड़ियाँ देखने को। थंबनेल में ऐसा नहीं डालूंगा 50,000 में गाड़ी लेकर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ चीटिंग हो, और ना ही मेरे थंबनेल्स पहले से कभी ऐसे रहे हैं कि मैं आपको ब्लफ कर रहा हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोगों के वजह से मैंने ये सारी ऊंचाई, जो मैंने मेरे चैनल ने जो ऊंचाई पकड़ी है, आप सब लोगों की वजह से है। तो मैं आपसे फ्रॉड नहीं करना चाहता, मैं सिंपली आपको बता दूं। तो ये वाली गाड़ी है, ये भी बताएंगे, इसका नाम है सुपर कैरी टर्बो। टर्बो मतलब टर्बो इंजन रहेगा, बताइए डिटेल। ये और एक अपने पास गाड़ी है, 2019 का डीजल गाड़ी, मारुति सुपर कैरी। ये भी अपन 4,80,000 रुपये में देंगे, इस पर भी 3.5 लाख रुपये लोन हो जाएगा। इसकी 2 साल की पासिंग देंगे नवी, 1 साल का इंश्योरेंस देंगे। टायर भी इसके अच्छे बटन है, और टायर भी बटन रहेंगे। रहेगा व्हीकल बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा मिलने वाली है। सुपर कैरी मतलब सुपर कैरिंग कैपेसिटी। ये वाला गाड़ी महिंद्रा की तरफ से आता है, सुप्रो, बताइए डिटेल। ये 2020 का महिंद्रा सुप्रो है, इसके भी टायर बटन आएंगे, पेपर क्लियर है, और ये 5 गियर वाला है। ओके, हाँ, वो जो पहले अपन ने बताया थे वो 4 गियर वाला है, ये 5 गियर वाला है। ये 5 लाख रुपए में गाड़ी दे देंगे अपन, 5 लाख रुपए में ये गाड़ी दे देंगे। 5 गियर वाला गाड़ी बता रहे, मेरे को नहीं पता 5 गियर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सर से ही पूछ लेंगे हम लोग। ये डबल टॉप गाड़ी आता है स्पीड में, इसकी स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी। ओके, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा निकल कर। चलो नेक्स्ट गाड़ी हम देखेंगे, लोन कितना होगा बताया नहीं आपने, टायर का बताया नहीं। 4 लाख रुपए लोन हो जाएगा, इसके टायर बटन आएंगे सब, टायर सारे बटन आएंगे। 4 लाख लोन हो जाएगा। पहली गाड़ी का क्या था? पहली गाड़ी का 4,80,000 रुपये, उसके भी पेपर क्लियर है, उस पर 3.5 लाख रुपये लोन हो जाएगा। ओके, उस पर 3.5 लाख रुपये लोन हो जाएगा। हमारे चैनल के लिए स्पेशल दे रहे हो ना रेट? स्पेशल आपके। ओके, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ही रुक जाइए, थोड़ा वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो जा रहा है। बताइए डिटेल। ये 2018 का टाटा एस है, इसके टायर बटन आएंगे, एक ही टायर नरम है, 30 टक्के तीनों टायर बटन है इसके। इसके भी पेपर पासिंग इंश्योरेंस क्लियर देंगे। 2018 गाड़ी टाटा एस ST, ये 4 लाख रुपये में दे देंगे अपन। ओके, ये 4 लाख रुपये में फाइनल देंगे। इसके टायर्स कैसे? 3 टायर बटन है, एक टायर है 25 टक्के, एक 25 टक्के, 3 टायर बटन है और एक टायर 25 टक्के है। वो टायर देख लेना आप क्या है। अभी ये गाड़ी में स्टेप नहीं आती है क्या? कोई गाड़ी में आती है सर, कोई गाड़ी में नहीं आती है। तो अभी वो भी बात नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट टाइम और एक बात करनी है आपको, ये जो इतना जो कम जगह मिल रहा है ना, जिससे हम गाड़ी नहीं प्रॉपरली बता पा रहे, ये भी गाड़ियाँ थोड़ी पीछे पीछे ले लेना। अभी थोड़ा पीछे पैक था और नहीं ले पाए हम लोग वो गाड़ी, पीछे गाड़ियाँ लगी। अभी कल ही हमारे शॉप का ओपनिंग हुआ है वो हिसाब से, राइट। तो चलो नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे, इस गाड़ी के बारे में बता दिया ना सारे डिटेल। अभी ये जो है टाटा मैजिक है, अब ये कितने सीटर होती है मुझे तो नहीं पता, बट मैंने देखा है बहुत सारे लोग स्कूल के लिए यूज़ करते हैं इसको। ये 2019 का गाड़ी है, ये आता है 8 सीटर, 7+1। ओके, इंक्लूडिंग ड्राइवर। इसके सामने के 2 टायर बटन आएंगे, पेटी पैक, पीछे के 50 टक्के। ये गाड़ी अपन 4.5 लाख रुपये बोलते हैं, लेकिन MH20 के लिए 4 लाख रुपये में गाड़ी अपन दे देंगे। 4 लाख रुपये में दे दी गाड़ी आपको MH20 के लिए। इसके 3 लाख रुपये लोन भी हो जाएंगे, टायर बटन आएंगे, टायर बटन आएंगे। और कितना बोले आप? इस पर 3 लाख रुपये लोन हो जाएगा, 3 लाख रुपये लोन भी हो जाएगा, 4 लाख में गाड़ी दे देंगे। चलो नेक्स्ट पीछे देखते हैं। तो ये वाला जो व्हीकल है, ये है स्कूल बस ओमिनी। ये इतना कॉम्प्लिकेशन में क्यों कवर कर रहे हैं हम लोग? यहाँ खुला खड़े रह सकते हैं सर, आ जाइए इसी साइड से। तो ये खुले खुले में देखिए, ये कोई तो भी CBSE स्कूल के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी है। और इसके टायर में जहाँ तक देख पा रहा हूँ, कितने परसेंट होंगे ये? 80-85% टायर, 70-80% दिख रहे हैं, 70-80% टायर है चारों। ये गाड़ी विथ पेपर क्लियर में, इस पर लोन होगा नहीं, 1,80,000 रुपये में पेपर क्लियर करके दे देगी। पेपर क्लियर करके 2012 का गाड़ी 1,80,000 रुपये में फाइनल होने वाला है। बाकी आप जा सकते हो सर, जा सकते हो आप। तो ये एस एकेडमी बोल के कुछ तो भी जगह है वहाँ पर की ये गाड़ी है। इसमें कितने सीट बैठते हैं फिर? ये भी 7+1 आता है, 7+1 ही आता है। तो इसके टायर्स कैसे हैं पूरे? 80% टायर, पूरे 80% रहेंगे। इसमें स्टेपनी मिल जाएगा कस्टमर को, अवेलेबल है। अब कब की गाड़ी बोले आप? 2012
2012 इस पे लोन होगा नहीं? नहीं होने वाला, नहीं। 1,80,000 में कैश ही खरीदूंगा। तो आपको भाव करना ही है, क्योंकि कैश गाड़ी खरीदना है तो भाव कर लेना है, ठीक है। वैसे भी 1,80,000 रुपये में आप देखते हो ना, तो यामा का R15 FZ भी नहीं आ रहा है, वो भी गाड़ी उतनी तक टच हो चुकी है। अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मेरा कोई भाई यंगस्टर है, तो उन स्पोर्ट्स बाइक जो भी गाड़ियाँ हैं वो खरीदने से बेहतर है कि ऐसा कुछ खरीदो और आपका बिजनेस स्टार्ट करो। देखिए, मैं तो किसी को सजेशन नहीं दे सकता, पर फिर भी एक छोटा सा एडवाइस रहेगा मेरा कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सर, गाड़ी बेहतरीन है। बाकी पीछे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हमको वैगनर गाड़ी नज़र आती है। एक जीतो हमारे पास है अभी भी, जो हम लास्ट में कवर करेंगे बताते बताते। पहले इस गाड़ी से शुरुआत करेंगे, तो ये है वैगनर, बट ऑब्वियस ये कम कीमत के अंदर रहने वाला है। सर, सबको पता है ये वैगनर का पहला जनरेशन है और इसका प्राइस एकदम बॉटम होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर अगर बताते हैं ज़्यादा प्राइस, तो कस्टमर समझ जाएगा कि ये गाड़ी वो रेट में लेनी है या नहीं लेनी। बताइए, जो 2007 का वैगनर है जी, और मतलब परमिट खत्म? हाँ नहीं, उसका 5 साल का अपन ने ऑलरेडी आर कर लिया है। 2027 तक इसका पेपर पूरा वैलिड मिलेगा। थोड़ी वजनदार होगी गाड़ी, चलो ठीक है। ये औरंगाबाद MH20 में सेकंड ओनर गाड़ी है जी। हाँ, ये गाड़ी आपको 90,000 रुपये में फाइनल मिलेगा। 2027 तक आर आर है, इंश्योरेंस चालू है। 90,000 में गाड़ी मिल गया और 2027 तक का आर आर भी है गाड़ी का। MH20 रजिस्टर्ड है, मतलब सेकेंड ओनर है। बहुत सारे प्लस पॉइंट है गाड़ी के अंदर जो मैंने बताया आपको। 80-90% है सब टायर भी, सारे 80-90% है। इसमें स्टेपनी भी आ जाएगा, स्टेपनी चेक करना कितने परसेंट है वो हमने खुद नहीं देखा अभी तक। बाकी बेहतरीन गाड़ी है, वाइट कलर के अंदर है। फाइनेंस तो नहीं होगा उस पर ना? नहीं, इस पर फाइनेंस होगा क्या? नहीं होगा। ये 2010 का गाड़ी है, मारुति 800। ओके, हाँ, ये गाड़ी देंगे अपन 1,10,000 रुपये में। 2010 का गाड़ी है, 2010 का गाड़ी है, 1,10,000। MH20 1,10,000 में 800 दोगे आप? इसके अंदर आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा सर। 800 1,10,000 बोल रहे हैं सर, मगर इसमें भी डिस्काउंट करना दोस्तों। 2010 का गाड़ी है, MH20 है। और इसका रजिस्ट्रेशन कितना बाकी है अभी? इसका और 2 साल बाकी है। 2 साल बाकी है, उसके बाद परमिट का? परमिट नहीं आता ना, प्राइवेट है ना। यानी परमिट मतलब वो जो 2 साल बाद आर आर करना पड़ेगा। ग्रीन टैक्स 2 साल बाद आपको करना पड़ेगा, कोई ग्रीन टैक्स भरना ही पड़ेगा और उसका आर आर कराना ही पड़ेगा, ठीक है। 1,10,000 में बोल रहे हैं, बाकी आपको पसंद आती है तो ठीक है। बाकी मेरे लिए अब तक के तो भी वैगनर बेस्ट ऑप्शन है, जितनी गाड़ियाँ मैंने देखी है अब तक। नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर रेनो कंपनी की तरफ से आने वाला क्विड नज़र आएगा आपको, जो कि पेट्रोल 3 सिलेंडर के अंदर आने वाला गाड़ी है, जो कि अंदर से आप बिलीव करो ना करो स्पेस थोड़ा ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है। तो बताइए, ये 2016 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी आएगा ये। ये पेट्रोल आएगा 800 cc इंजन वाला। ओके, जो माइलेज ज़्यादा देता है। ये गाड़ी अपन 2,80,000 रुपये में दे देंगे। 2,80,000 में दे दिया। हाँ, इस पे 2 लाख तक, तो 1,70,000 तक लोन भी हो जाएगा। 1,70,000 तक लोन होगा, 2,80,000 बोल रहे, बाकी निगोशिएशन आपको करना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्हीकल है जिसका नाम है स्कॉर्पियो। बहुत बड़ा इन द सेंस साइज के अंदर बहुत बड़ा व्हीकल है, बड़े फैमिलीज के लिए प्रॉपर 7 सीटर, प्रॉपर समझते हो, प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल है और सिल्वर कलर के अंदर है, तो ज़्यादा ओल्ड नहीं नज़र आएगा आपको। इंटीरियर के अंदर मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक कि ब्लैक कलर के लेदर सीट कवर्स इन्होंने डाले हैं। बाकी इसको मैकविल नहीं है सर, है ना? मैकविल नहीं है। क्या डिटेल है? ये 2011 का गाड़ी है जी, 3.5 लाख रुपये में दे देंगे। इसके टायर कंडीशन भी अच्छा है, मतलब 30-40% टायर है इसके। थर्ड, हाँ, ये वाले गाड़ियों के टायर ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये वाले व्हीकल्स जो होते हैं ना, इनके टायर्स पे ही सब डिपेंड करता है मेंटेनेंस ज़्यादातर। इसके टायर ये 16-17 इंच होंगे ना? 15 इंच है, हाँ। मतलब उतना मेंटेनेंस नहीं आएगा, ब्रॉड साइज में होंगे, पर रेट थोड़ा ज़्यादा ही निकल कर आता है इन गाड़ियों का अगर देखते हो तो। ये गाड़ी अपन 3.5 लाख रुपये में दे देंगे। 3.5 लाख में ये गाड़ी दे देंगे 2011। क्या बात, थर्ड ओनर है। मैकविल लगाना और घेड़ी मारना, बेहतरीन गाड़ी है। पासिंग की बात करूँ, MH46 से थर्ड ओनर गाड़ी है। अभी पासिंग कितने दिन का बाकी होगा इसका, मतलब रोड परमिट? अभी 3 साल, 3 साल बाकी है ना, ठीक है। 3 साल के बाद में आप करवा सकते हो। ये डीजल है, राइट? चलो नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर निकल कर आती है MH11 के अंदर 7 सीटर में अर्टिगा। अर्टिगा ये 2015 का दिसंबर का गाड़ी रहेगा, इसके चारों टायर बटन है। ये गाड़ी 7.5 लाख रुपये में अपन दे देंगे, डीजल वर्जन 7.5 लाख रुपये में दे देंगे आप लोग। 7.5 लाख रुपये में ये डीजल वेरिएंट आपको देखने मिल रहा है अर्टिगा का, जो कि 22 का माइलेज देगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा अगर आप ये बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हो। वैसे तो फैमिली अगर बड़ी है आपकी तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बाहर से रेंट के ऊपर गाड़ी लेने से अच्छा है अपने घर में पड़ी रहेगी गाड़ी। आप इसको रेंट में दे सकते हो, रेंट में क्यों लेना है, राइट? तो ये गाड़ी सर फाइनल कितना लगाओगे आप?
7.5 लाख रुपये डीजल वर्जन। डीजल वर्जन मिल नहीं रहा इसलिए बार बार डीजल बोल रहे हैं, और डीजल का मार्केट इसलिए इन्होंने टाइट करके रखा है। चलो ठीक है, इनकी भी कोई गलती नहीं है, मार्केट के अंदर गाड़ियाँ नहीं मिल रही, इसीलिए लोन हो जाएगा। इसके ऊपर कितना होगा? इस पर 5.5 लाख रुपये लोन हो जाएगा। 5.5 लाख तक का लोन हो जाएगा, बाकी आपको डाउन पेमेंट बोलकर फाइनेंस आपका डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा जितना बचा उतना, रेट इसके अंदर भी करना। सर अच्छी गाड़ी है, नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे। लेदर सीट कवर मुझको नज़र आए गाड़ी के अंदर, तो मुझको लगता है ये गाड़ी आई गई है सामने, तो इसको कवर कर लेंगे एक बार। ये चौधरी बंधु वाली जो गाड़ी है टाटा जीप MH कितना है वो? MH 20 टाटा जीप एक्सल। ओके जीप एक्सल, हाँ ये 2017 का गाड़ी है, ये 2 साल की पासिंग है, 1 साल का इंश्योरेंस में 2,30,000 रुपये में दे देंगे आपको। ओके 2,30,000 रुपये में ये गाड़ी भी मिल गई आपको। इसके ऊपर लोन कितना होगा? टायर कैसे? 1.5 लाख रुपये टायर इसके 50-60% है, अच्छे टायर है, 1.5 लाख रुपये इस पर लोन हो जाएगा, 2,30,000 रुपये में अपन गाड़ी दे देंगे। ओके 2,30,000 में गाड़ी भी दे देंगे। यहाँ पर लास्ट और फाइनल व्हीकल है इनके गोडाउन के ऊपर का या शोरूम के ऊपर का MH 14 पूना पासिंग के अंदर ये गाड़ी है, बट ऑब्वियस मेरी फेवरेट पासिंग रहने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी MH 14 है। ये पिंपरी चिंचवड़ है, पिंपरी चिंचवड़ है, थोड़ा सा पॉश एरिया कहा जाता है इसको। सेकंड ओनर में गाड़ी आएगा, सेकंड ओनर के अंदर गाड़ी आएगा आपका, बाकी अंदर से बेज इंटीरियर विथ लेदर सेमी लेदर सीट कवर्स के साथ में देखने मिलेगा आपको। दो एयरबैग और फोर्ड है तो सेफ्टी रहेगा आपको। फोर्ड एस्पायर 2016 का गाड़ी, 2 एयरबैग, 4 टायर, बटन। ये गाड़ी 4.5 लाख रुपये में दे देंगे। 4.5 लाख रुपये में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। इसमें फाइनेंस कितना होगा? इसमें 3 लाख रुपये फाइनेंस हो जाएगा। औरंगाबाद में कर देंगे आप? औरंगाबाद में कहीं का भी बंदा, महाराष्ट्र में कहीं भी कर देंगे, ऑल महाराष्ट्र में कहीं भी कर देंगे ना। बस यही चाहिए होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी की पासिंग जहाँ की है उसके आसपास का बंदा इसको खरीद सकता है, मगर यहाँ पर MH 14 गाड़ी होकर भी ऑल ओवर महाराष्ट्र से आप कहीं से भी आते हो तो लोन हो जाएगा। लगभग कितने परसेंटेज का लोन होता है हमारा? 80% लोन हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कार के लिए लगता है लगभग 13-14%। जो भी है रिड्यूसिंग में मिलेगा आपको, बहुत सारे ऑप्शन पड़े हैं, सिर्फ अब 13-14 सुन लिया आपने वो ही नहीं काफ़ी, बहुत सारे बैंक्स इनके पास है। इनके पास जो बैंक होगी शायद से वो थोड़ी कॉस्टली हो सकती है, मगर जो बाकी आफ्टर मार्केट और भी बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो लोन्स करवाते हैं इन गाड़ियों के ऊपर, इनके पेपर तो क्लियर रहते, कोई भी लोन करवा के देते। करें इसका 0 डेप इंश्योरेंस चालू 1 साल का। अभी मेरा कोई दोस्त यहाँ पर मैकेनिक लाकर गाड़ी चेक करना चाहता है तो आप ला सकते हैं? कोई भी गाड़ी के लिए। अभी मेरे पास कोई बंदा है जो मेरे को 8-9% से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है बैंक वाला, तो आप करा सकते लोन। जिस दिन आपका सैंक्शन आ जाएगा अपन गाड़ी दे देंगे। गाड़ी जिस दिन सैंक्शन होगी, जिस दिन अमाउंट पूरी सैंक्शन होगी इनके पास आ जाएगी, उस दिन गाड़ी की डिलीवरी आपको मिल जाएगी। ये रहा लोन का प्रोसीजर। बाकी ये जो गाड़ियाँ हैं बिल्डिंग क्वालिटी अच्छी होती है, माइलेज भी अच्छा खासा निकल कर आता है। ये डीजल है या पेट्रोल है? ये डीजल है, डीजल गाड़ी है, मतलब लगभग 20 के आसपास आप माइलेज पकड़ सकते हो, क्योंकि इसका जो मेटल है ना ये बहुत अच्छा मेटल यूज़ किया गया है, तो इस मेटल की वजह से शायद से ये मारुति की जैसा मेटल नहीं है। मैं क्लियर बात करना चाहता हूँ कि जो आपको 22-25 का माइलेज देगी और लाइट वेट गाड़ी बनाएगी, क्योंकि सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है, फोर्ड कंपनी के लिए तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट थी ही, इसीलिए इस गाड़ी का एवरेज आपको 20 के आसपास मिलेगा, 22 और 24 का माइलेज ये नहीं देने वाली। तो सर थैंक यू सो मच जो आपने इन्फॉर्मेशन दी। ये जो स्टॉक है ये नेक्स्ट मंथ में अपडेट होगा तब हम फिर से एक बार यहाँ पर आएंगे और एक बार चेकआउट करेंगे। अभी तक के लिए ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, इनके रेट्स कैसे लगे बताइएगा, और निगोशिएशन ज़रूर करिएगा। जो भी निगोशिएशन आप करोगे ना, अगर कोई गाड़ी परचेस करते हो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको डीलर का जो है वो एड्रेस मिलेगा और कॉन्टैक्ट नंबर मिलने वाला है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं होता कि मैं उनकी गाड़ी बिकी वो मेरे को कमीशन देगी, ऐसा कोई सीन यहाँ पर नहीं होता है। तो प्लीज़ रेट के बारे में कमेंट्स करते हो तो मुझे ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि मेरा उसमें कोई रोल है ही नहीं, वो डीलर और उसका व्हीकल, मेरा उसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना इतना ही रोल होता है। कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा, जल्दी से जल्दी कॉल कीजिएगा। ये स्टॉक के अंदर कौन सी गाड़ियाँ पसंद आई, अगले टाइम जब इनके पास आएंगे तो कौन से तरीके का माल इन्होंने भर के रखना चाहिए वो भी कमेंट डाउन करना। बाकी थैंक यू सो मच, धन्यवाद।